की नीट की खबर के साथ, नीट परीक्षा में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और गुजरात के गोधरा में जहां नीट परीक्षा में नकल कराने के आरोप में पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बिहार में नीट परीक्षा के दिन पेपर लीक की वारदात के बाद अब जले हुए नीट के पेपर मिलने की घटना भी सामने आई है। तो ये पूरा मामला नीट से जुड़ा हुआ है। नीट परीक्षा में एक के बाद एक मामले जो है सामने आ रहे हैं, कई मामले इससे जुड़े हुए, कई जगहों के तार नीट से जुड़े हुए मिल रहे हैं और अब जले हुए पेपर्स भी मिले हैं। गुजरात के गोधरा में नीट परीक्षा में नकल कराने के आरोप में पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बिहार की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां परीक्षा के दिन पेपर लीक वारदात के बाद अब जले हुए नीट के पेपर मिलने की घटना सामने आई है। तो इस तरीके से जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और बेहद अहम हो जाता है ये वक्त, जब इतनी बड़ी परीक्षा, देश के कई परीक्षार्थी, कई ऐसे छात्र छात्रा हैं जो इस परीक्षा को देते हैं पूरे साल मेहनत करने के बाद, लेकिन जब इस तरह के खुलासे होते हैं तो वाकई में चौंका देने वाले खुलासे। अब ये दो तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करते हुए। जबलपुर हाईकोर्ट ने नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी मामले में याचिका स्वीकार की है। प्रारंभिक तौर पर मामले की सुनवाई होगी। जुलाई के पहले हफ्ते में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में एनटीए, एनएमसी और प्रदेश सरकार में पक्षकार बनाया गया है। प्रदेश सरकार को नीट परीक्षा की हाई लेवल जांच की मांग की गई है। नीट की परीक्षा को रद्द करने की भी मांग है। जबलपुर की छात्रा ने याचिका लगाई है और इस पूरे मामले में अब जांच की मांग हो रही है। रीनीट का जो नारा है वो अब तमाम छात्र छात्रा देते नजर आ रहे हैं। अंडर ग्रेजुएशन नीट में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, सीबीआई जांच हो, इस तरह की मांग अब उठ रही है। इस याचिका में मैंने जो दो रिक्वेस्ट की हैं, जो दो प्रेयर की हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, वो ये की हैं कि एक तो पूरा नीट रीटेस्ट होना चाहिए और दूसरा हाई लेवल इंक्वायरी करानी चाहिए और इनके रिकॉर्ड्स तुरंत सीज कर लेने चाहिए कोर्ट के द्वारा। उसका कारण ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक कवर अप करने के लिए 1563 बच्चों की कुर्बानी देने की कोशिश की है, जो सरकार ने जिस हिसाब से कल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मान लिया कि 1563 बच्चे जो हैं उनको तो हम ये मानते हैं, पर पहला मेरा कहना ये है कि आप सिर्फ 1563 बच्चे कैसे बोल सकते हो? इसमें हो सकता है 200 टाइम्स मोर बच्चे हों, क्योंकि आपने खुद होके कभी नहीं इसको एडमिट किया। कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा तब पहली बार सरकार की तरफ से, मतलब एनटीए की तरफ से ये रिप्लाई आया। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी मामले में याचिका स्वीकार की है। प्रारंभिक तौर पर मामले की सुनवाई होगी। जुलाई के पहले हफ्ते में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में एनटीए, एनएमसी और